इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। आपको बता दें कि टीएमसी के साथ साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस समय हंगामा कर रही हैं। इसे देखते हुए आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सुरक्षा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। आर्म्स फोर्स में 10 आर्म स्टैटिक गार्ड वीवीआईपी के घर पर रहते हैं। अराउंड द क्लॉक पीएसओ 12 तीन शिफ्ट में आर्म स्क्वाड के कमांडो, 2 वॉचर शिफ्ट में और 3 ट्रेंड ड्राइवर राउंड द क्लॉक मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि समय देश चुनावी मोड में जा चुका है। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण के साथ होगी। वहीं दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को और चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठा 25 मई को और अंतिम एवं सातवां चरण 1 जून को होगा। सभी चरणों के बाद मतदान की काउंटिंग 4 जून को होनी है। हाल ही में चुनाव की तारीख का ऐलान होते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है। चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। सीईसी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष और चुनाव आयुक्त की 62 वर्ष होती है। चुनाव आयुक्त का पद और वेतनमान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है, या फिर वह स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त और 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग 1950 में गठित हुआ था। तब से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक आयोग सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त वाला एकल सदस्यीय निकाय होता था। फिर 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह 3 सदस्यीय निकाय रहा। इस दौरान आरवीएस शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एसएस धनोवा और वीएस सहगल निर्वाचन आयुक्त के रूप में मुख्य आयोग के 3 सदस्य रहे हैं। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह फिर एकल सदस्यीय निकाय बन गया और एक बार फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। तब से भारत के निर्वाचन आयोग में सीईसी और 2 ईसी सहित 3 सदस्य होते हैं। वहीं आपको बता दें, आईबी की इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उन्हें यह सुरक्षा यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। आपको बता दें, बीते कुछ समय से चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि वह सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, विपक्षी दलों के एक्शन लिया जा रहा है, जबकि भाजपा के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस बीच चुनाव आयोग के होम मिनिस्ट्री से मांग की कि बंगाल के अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां सुरक्षा के लिए तैनात की जाएं, ताकि चुनाव बिना किसी दखल के हो सके। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।